इंदौर में 72 साल की महिला को उसके ही पड़ोसी छात्र ने लघु की चपत लगा। बताया जा रहा है कि 45 दिनों में छात्र ने कैफे रेस्टोरेंट में पड़ोसी महिला के पैटीएम से 2,60,000 बढ़ा दिए। इसका खुलासा तब हुआ जब बैंक से महिला के पास फोन आया। जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि आज के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसका ही एक कुदरत सामने आया। दरअसल 72 साल की महिला ने अपने पड़ोसी छात्र पर भरोसा कर उससे बातचीत की थी। ऐसे में उसी छात्र ने महिला के साथ धोखाधड़ी कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र 12वीं कक्षा में पढ़ता है। उसने महिला के पेटीएम से 2,60,000 निकाल लिए। इसके बारे में जब बैंक वालों ने महिला को बताया तो उसके खाते से रोज पैसे निकल रहे थे, तो महिला ने इसकी शिकायत साइबर सेल में की। उसके बाद पड़ोसी छात्र द्वारा किए गए इस कारनामे का खुलासा हुआ। साइबर सेल द्वारा बताया गया कि महिला अपने 55 वर्षीय बेटे के साथ ऑमिक सिटी में रहती है। उनके ही पड़ोस में एक छात्र रहता है, दोनों एक ही समाज के हैं, इसी वजह से उससे पारिवारिक संबंध हो गए थे। जब महिला घर पर अकेली थी तब छात्र ने बुजुर्ग महिला को देख उसका डेबिट कार्ड का फोटो ले लिया, फिर अपने मोबाइल में पेटीएम कर उनका डेबिट कार्ड ऐड कर कैफे रेस्टोरेंट आदि जगहों पर गया और भुगतान किया। बड़ी बात यह है कि छात्र पेटीएम में ट्रांजेक्शन करने के लिए CVV नंबर का उपयोग करता था, जिसके बाद बैंक के महिला के पास फोन गया। ऐसे में महिला ने किसी भी लेन देन से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक जिस युवक ने महिला के खाते से पैसे खर्च किए उसके बारे में साइबर सेल ने पता लगाना शुरू किया है। ऐसे में जब साइबर सेल पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो घर में कौन कौन आता है, फोन किसे दिया, तो महिला ने अपने पड़ोसी छात्र के बारे में पुलिस को बताया। ऐसे में छात्र ने पुलिस से पूछताछ की तो उसने इनकार कर दिया कि उसने नहीं निकाले पैसे। उसके बाद पुलिस ने पेटीएम से किस खाते में पैसे दिए उसकी जानकारी निकाली तो छात्र के पिता का नाम सामने आया। ऐसे में वापिस से छात्र से पूछताछ की गई तो उसने इस बात को खुलासा किया। उसने बताया कि मैंने पेटीएम डेबिट कार्ड के नंबर से मेरे फोन में अकाउंट खोला और जब भी ट्रांजेक्शन करता हूं तो CVV नंबर डाल देता हूं।